वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम ई लेटर से कुछ वर्ड्स देखते हैं और उनकी मीनिंग्स या डेफिनेशन जानते हैं। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है अर्थक्वेक। An earthquake happens when underground rocks move and make the ground above shake and tremble. तो earthquake क्या होता है, जिसे हम भूकंप भी बोलते हैं, जब underground rocks मतलब जमीन के नीचे के पत्थर और कुछ प्लेट्स होती हैं, वो इधर उधर हिलती हैं, मूव करती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, जिसके वजह से कंपन शेक करती है हमारी जमीन अर्थ। तो क्या होता है, भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, सब चीजें तहस नहस हो जाती हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एट। दिस इज एट। एट इज द नंबर्स दैट कम्स आफ्टर सेवन एंड बिफोर नाइन। ईगल। एंड ईगल इज अ लार्ज पावरफुल बर्ड ऑफ prey that hunts other animals for food. Eagle क्या है, एक बहुत ही बड़ा, लार्ज, पावरफुल, ताकतवर एक बर्ड है जो दूसरे एनिमल्स को एज अ फूड खाता है। Easel. An easel is a stand for holding paper while you paint or draw on it. तो ये जो स्टैंड होता है जिसपे हम कैनवास या पेपर लगाते हैं और फिर पेंट करते हैं, तो इस स्टैंड को बोलते हैं इजल। एल्बो। एल्बो मतलब कोहनी। योर एल्बो इज द जॉइंट इन द मिडिल ऑफ योर आर्म। ये हाथ से और ये आर्म्स के बीच में जो ये जॉइंट होता है, जिसे हम कोहनी बोलते हैं, उसे हम एल्बो कहते हैं इंग्लिश में। ईयर। योर ईयर इज अ पार्ट ऑफ योर हेड दैट इज यूज्ड फॉर हियरिंग। तो ईयर भी क्या होता है, जिसे हम कान बोलते हैं। ईयर एक सेंस ऑर्गन होता है जिससे हम सुन सकते हैं। ईट। टू ईट इज टू पुट फूड इन टू योर माउथ। च्यू इट एंड स्वॉलो इट। ईट मतलब खाना, जो हम खाना खाते हैं उसे ही खाने को हम ईट बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज अ पावरफुल फोर्स दैट गिव अस लाइट एंड हीट एंड मेक्स मेनी मशीन वर्क। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, एक पावरफुल, एक तरह का फोर्स होता है जिससे हमें हीट और लाइट मिलती है, जिससे बहुत सारी मशीनें काम करती हैं। अर्थ। द अर्थ इज द प्लैनेट ऑन विच वी लिव। अर्थ एक तरह का ग्रह है जिस पर हम रहते हैं। एग। एन एग इज समथिंग दैट कंटेन्स एन अनबॉर्न बेबी एनिमल। एग मतलब जिसमें अनबॉर्न बेबी एनिमल रहता है। एलिफेंट। एन एलिफेंट इज अ ह्यूज ग्रे एनिमल विथ अ लॉन्ग ट्रंक, लार्ज ईयर्स एंड टू टस्क। तो एलिफेंट एक बहुत बड़ा ग्रे कलर का जानवर होता है, जिसकी लंबी सूंड, दो बड़े बड़े कान और दो नुकीले दांत होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एम्प्टी। समथिंग दैट इज एम्प्टी हैज नथिंग इन इट। एम्प्टी मीन्स खाली, जिसमें कुछ नहीं होता, वो होता है एम्प्टी। एंटर। टू एंटर अ बिल्डिंग इज टू गो इनटू इट थ्रू द एंट्रेंस। तो एंटर मतलब किसी बिल्डिंग या किसी जगह पे एंटर करने, एंटर एंट्रेंस से को एंटर बोलते हैं। इक्वेटर। द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन अराउंड द मिडिल ऑफ द अर्थ हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल। इक्वेटर क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ के एकदम बीचों बीच है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के एकदम बीच में है। इमू। An emu is a large flightless bird that lives only in Australia.
तो ईमो क्या है? ईमो एक तरह का बर्ड होता है, ऑस्ट्रिच की तरह ही दिखता है, उड़ नहीं सकता और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इंडिया में हम इसे जू में भी देख सकते हैं। एनवलप, एनवलप इज फ्लैट पेपर बैग फॉर लेटर्स और अदर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। एनवलप जो होता है एक फ्लैट पेपर बैग या कह सकते हैं कवर होता है हमारे लेटर्स या छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स रखने के लिए। एक्सरसाइज, यू एक्सरसाइज टू मेक योर बॉडी स्ट्रॉन्गर एंड फिटर। एक्सरसाइज मतलब कसरत, एक्सरसाइज हम करते हैं अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग और फिट रखने के लिए। इंजन, एन इंजन इज अ मशीन दैट मेक्स थिंग्स लाइक कार मूव और रन। इंजन क्या होता है? इंजन किसी कार या मशीन का, एक ऐसी मशीन होती है जो किसी कार वगैरह में लगी होती है और उसे चलाने के काम आती है। इंजन एक इज अ मशीन दैट मेक्स थिंग्स लाइक कार मूव्स और रन। इंजन एक प्रकार का मशीन होता है जो कार या उस तरीके के और चीज़ों में लगा होता है जिससे वो चल सके। आवर एनवायरमेंट इज मेड अप, एनवायरमेंट इज मेड अप ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस लाइक एयर एंड वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड कार्स। तो एनवायरमेंट मतलब वातावरण। एनवायरमेंट क्या होता है? जो हमारे चारों तरफ हवा पानी पेड़ पौधे जानवर जो कुछ भी होता है वो हमारा एनवायरमेंट होता है। एग्जिट, टू एग्जिट अ बिल्डिंग इज टू लीव इट। एग्जिट मतलब बाहर निकलना। एग्जिट किसी बिल्डिंग से बाहर चले जाने को क्या बोलेंगे? एग्जिट, निकलना। सिर्फ बिल्डिंग से ही नहीं कहीं से भी बाहर निकलने को हम एग्जिट बोलेंगे। इंजीनियर, एन इंजीनियर इज समवन हु बिल्ड्स एंड रिपेयर्स मशीनरी एंड बिल्ड्स ब्रिजेस एंड बिल्डिंग। इंजीनियर वो होता है जो मशीनरी या ब्रिजेस या बिल्डिंग बनाता है, रिपेयर करता है। इंजीनियर सिर्फ मशीन या बिल्डिंग के ही नहीं होते हैं, इंजीनियर कंप्यूटर के भी होते हैं और अदर थिंग्स के भी होते हैं। इक्वल, व्हेन थिंग्स आर इक्वल दे आर द सेम इन सम वे। इक्वल मीन्स बराबर, जब कोई चीज़ इक्वल होती है तो वो दूसरी चीज से एकदम एक समान होती है, एक जैसी। एक्सपेंसिव, व्हेन समथिंग इज एक्सपेंसिव इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू बाय। एक्सपेंसिव मीन्स महंगा, जब कोई चीज महंगी होती है इसका मतलब हमें उसे खरीदने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, उसे ही हम कहते हैं एक्सपेंसिव। एक्सप्लोड, When something explodes, it blows up and make a loud noise. Explode means फूटना, blast करना। जब कोई चीज़ explode होती है तो वो बहुत तेजी से blow करती है, मतलब फूलती है और फूटती है और बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, उसे ही explode कहते हैं। जैसे bomb, eraser, Mr. John uses eraser to rub out the picture. Eraser means जिससे आप मिटाते हैं, पेंसिल से लिखा हुआ या पेंसिल लिखा हुआ मिटाने के लिए होती इरेजर। कुछ भी इरेज मतलब मिटाने के लिए होती है इरेजर। इनफ, आवर स्कूल हैज इनफ स्पेस फॉर प्लेइंग। इनफ मीन्स सफिशियंट। तो आवर स्कूल हैज इनफ स्पेस, हमारे स्कूल के पास सफिशियंट जगह है खेलने के लिए। एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस रन्स वेरी फास्ट फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे। एक्सप्रेस, तेज ट्रेनें को एक्सप्रेस बोलते हैं। एंजॉय, चिल्ड्रन एंजॉयज बर्थडे पार्टी। एंजॉय मतलब खूब मजे करना, मजे करने को एंजॉय बोलते हैं। ई स्टेट, दैट इज ए स्टेट। My friend's father is the owner of this estate.
स्टेट मीन्स जमीन, स्टेट मीन्स जमीन, जो हम रियल स्टेट बोलते हैं ना, प्रॉपर्टी, प्लॉट वगैरह, लैंड, उसके बारे में बात करते हैं, उसे स्टेट बोलते हैं। आई, योर आईज आर अ पार्ट ऑफ योर फेस, यू हैव टू आईज फॉर सीइंग, जो हम देखने के लिए आंखें यूज करते हैं उसे ही कहते हैं आई। ये भी एक सेंस ऑर्गन है। अर्ली, द पियोन रीचेस अर्ली इन द मॉर्निंग टू अ स्कूल, अर्ली मीन्स जल्दी। इवनिंग, एवरी इवनिंग गो टू द पार्क, इवनिंग मतलब शाम, जब दोपहर के बाद सूरज डूबने लगता है उस टाइम को बोलते हैं इवनिंग। एवरी, देयर आर फ्रूट्स ऑन एवरी बास्केट, एवरी मतलब हर, सब में, तो जैसे ये फ्रूट्स सब बास्केट में है, मतलब एवरी बास्केट। ईच स्टूडेंट कैरीज वाटर बॉटल, ईच मतलब सभी, हर एक, तो हर एक बच्चा पानी का बॉटल कैरी करेगा। एल्फ, एल्फ मीन्स एन एल्फ इज एन इमेजिनरी स्मॉल बीइंग विद मैजिक पावर्स, लास्ट नाइट आई सॉ एल्फ्स इन माय ड्रीम्स। एल्फ्स एक इमेजिनरी छोटा सा एंजल जैसा, एक छोटा सा होता है जो एक एंजल की तरह होता है, जिसके विंग्स होते हैं और जिसके पास बहुत सारे मैजिक पावर्स होते हैं, उसे ही एल्फ बोलते हैं। आपने स्टोरी सुनी होगी द शू मेकर एंड द एल्फ, जिसके यहाँ रात को एल्फ आके उसके जूते बना के चले जाते थे, खूब सुंदर सुंदर जूते शू मेकर के यहाँ, और इस तरीके से धीरे धीरे शू मेकर अमीर होता गया था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।